की M4 चलाने वाले हैं, बट बड़े शातिर हैं। जब असलियत में लेकर आए तो उस कारण लेकर आ गए, वार्म अप में M4 से प्रैक्टिस कर रहे थे, बट दोनों एक तरफ से यहाँ पर स्टार्ट बड़ी जबरदस्त हुई है। इधर स्प्रेगॉट, सामने एस पावर, दोनों के पास एक एक फेरेस, बट इन दोनों का 1v1 कब होगा ना, मैं तो उस पर नजर रखना चाहूंगा, बिकॉज इनका 1v1 बैटल देखने में अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। रेलगाड़ी के एंगल पर आपको मिलते हैं एस पावर जस्ट उनके पीछे, तो एक दूसरे को बढ़िया कवर फायर देते हुए दोनों खिलाड़ी आगे जाते हुए, एंड व्हाट दैट जिगल वाज, बहुत ही बेहतरीन लेवल का मैं कहूंगा जो जिगल था हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास चार्ट में पोल आ चुका है गाइस, जिसमें आप वोट कर सकते हैं कि कौन आपकी नजर में जीतने वाला है। मैंने तो अपना वोट दे दिया, आप भी जल्दी से दे दो भाई। मैंने भी यहाँ पे अपना वोट दे दिया है, मैं भी कौन सी टीम मेरे को लगती है जीतने वाली है भाई, फटाफट एक बार अपने अपने वोट दे दे गाइस। 3-1 का यहाँ पे स्कोर रहेगा, जो कि 4-1 में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है एस पावर। एस पावर यहाँ पे पुश करके एक और किल लेते हुए 5-1 का स्कोर हो चुका है भाई। 4 पॉइंट की लीड स्टार्ट में ही ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं। किकी यहाँ पे डाउन करते हुए एक और प्लेयर को, किकी यहाँ पे लो कर दिया गया भाई स्ट्रेकोट शायद किकी भी यहाँ पे राइट में पुश करने वाले हैं, लेकिन नहीं, दोनों ही प्लेयर यहाँ पे पूरा हील करेंगे, अपने आप को फुल रीसेट करेंगे। लेकिन भाई स्प्रेगोड तो हील करने से पहले ही पुश कर दिया, यहाँ पे 1v1 रहने वाला है किकी और स्प्रेगोड का। यहाँ पे स्प्रेगोड यहाँ पे डॉट करते हुए यहाँ पे किकी को, एंड पावर यहाँ पे भागते हुए, लेकिन भागते हुए भागने से पहले पकड़ लिया भाई स्प्रेगोड ने यहाँ पे बीच में पावर को। 7-3 का ये स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, 4 पॉइंट की बढ़त टीम किकी के पास। सारंग के अलावा सबका खाता यहाँ पर खुल चुका है, बाकियों का खाता जो है वो अभी तक के लिए उतना नहीं खुल पाया। 7-3 की ये स्कोर लाइन है, किकी के पास यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं, टीम 7C को अभी तक के लिए 3 पॉइंट्स मिले हैं, बट अग्रेशन देखो यार इस पावर का, 6 फिनिशेस ऑलरेडी वो अपने नाम ऑलरेडी कर चुके हैं। सामने से स्पॉट किया, उन्हें भी डाउन कर दिया सारंग पर, दोनों खिलाड़ी एक साथ चढ़ेंगे और सीधा सिर्फ घंटियां बजेंगे और कुछ भी नहीं है। क्या बढ़िया अप्रोच शॉट यहाँ पर, 7वां फिनिश, स्किट आप नहीं कर सकते, वरना स्किट मार के आप पीछे से बहुत ही जल्दी कवर के अंदर चले जाएंगे। एक बड़ी जबरदस्त सुपर चैट आती है यार नोवा, जिसमें यहाँ पर आता है कि मिसिंग टीडीएम गॉड हाइड्रा ब्लास्टी, और इसको मैं इसलिए पढ़ूंगा बिकॉज आई एम एक्चुअली मिसिंग ब्लास्टी यार। ब्लास्टी पता नहीं किधर है, बट कहीं ना कहीं इस इवेंट में ब्लास्टी को मैं भी बड़ा मिस कर रहा हूँ। मैं भी ब्लास्टी वॉज एन आईपैड प्लेयर ब्रो, आईपैड प्लेयर्स आपको ये पता है 90 FPS पे कैसा खेला जा सकता है यार, ऊपर से यार आईपैड पे जो डेफिनेट एडवांटेज रहता है, तो आई एम नॉट रियली मिसिंग हिम बिकॉज भाई आईपैड पे खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर्स को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो भाई यहाँ पे गोडल एस पावर 8 फिनिश पॉइंट क्या ऑलरेडी है, यहाँ पे 12-4 का स्कोर ऑलरेडी हो चुका है भाई, 8 पॉइंट की लीड ऑलरेडी मेंटेन करके रखी है यहाँ पे टीम किकी ने, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पे 10 पॉइंट्स में भाई, 14-4 का स्कोर रहेगा। 7C के लिए मेरे को थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, मैं भी यहाँ गए 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 यहाँ से कमबैक बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत आगे ले गए ये मैच एस पावर, हम जितना बोल रहे हैं उसको पूरे तरीके से बहुत ही प्रूव करते हैं, बिकॉज अलग लेवल गन पावर, अलग लेवल मैं कहूंगा यहाँ पर जो इनकी गन गेम है अब वो देखने को मिलते हुए। एस पावर स्टन ग्रेनेड्स भी कर रहे हैं, 11 फिनिशेस, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ जाएगा ही नहीं जाएगा, बिकॉज 11 इनके पास ऑलरेडी हो गया है, ये 12वें के करीब जाते हुए, बिकॉज सारंग को तो कोई मौका ही नहीं दिया इन्होंने अपनी गन पावर दिखाने का, सीधे तरीके से पाउंस ऑन कर दिया जाता है स्प्रेगॉट और सारंग, और 1v1 होगा और एक बुलेट का भी डैमेज ले लिया। एक बार एस पावर की हेल्थ तो देखो, एक सिंगल बुलेट भी कहां लगी है उनको, 17 में से कितने सारे फिनिशेस को अपने नाम कर चुके हैं और अब जाके डाउन हुए एस पावर। एस पावर ऐसा प्लेयर देखा ही नहीं यार मैं भी हमने कभी यार, 17-8 का स्कोर रहेगा, मेजोरिटी ऑफ द किल्स यहाँ पे पावर ने यहाँ पे निकाली है भाई, किकी यहाँ पे फुल सपोर्ट देते हुए, बिल्कुल फुल सपोर्ट गेम यहाँ पे दिखा रहा है भाई किकी, यहाँ पे 17-8 का स्कोर रहेगा यहाँ पे पुश करते हुए पावर एंड किकी, बिल्कुल बिल्कुल साथ यहाँ पे पुश करेंगे भाई सारंग को, सारंग की एचपी बहुत लो भाई, लेफ्ट राइट से दोनों तरफ से यहाँ पे पुश कर दिया जाएगा, एंड यहाँ पे पावर एक और फिनिश अपने खेमे पे लेके जाते हुए, एंड एक और यहाँ पे 28 का स्कोर हो जाएगा भाई, जिसमें से 16 फिनिश पॉइंट यहाँ पे पावर के नाम। सब कुछ गया, मैच भी गया 7 सीज का, ये रिकॉर्ड भी 100% तोड़ देगा पावर, और मेरे को तो लगता है इससे बड़े 1v2 कर लेते ना ये तब भी जीत जाता, ये हो सकता है, मेरे को लगता है कि अगर किकी ये मैच ना भी खेले ना तब भी एस पावर अकेला ले जाएगा, ये 30 फिनिशेस कर देगा मुझे लग रहा है इस मैच के अंदर, 40 तक भी जाएगा, टाइम भी नहीं खत्म होगा, और ये सिंगल हैंडेडली 1v2 एस पावर अपने नाम लेके जा सकते हैं, क्योंकि बढ़िया कवर पार दे रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि उसकी इतनी जरूरत रही, बिकॉज एस पावर इज इनविंसिबल, अनस्टॉपेबल, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। गॉड एल एस पावर यहाँ पर 18 फिनिशेस ऑलरेडी कर चुके हैं,
ट्रैप में फंस गए, दोनों के बीच में यहाँ पर फंसे हुए, बट हील करने का मौका चाहिए इन्हें चाहिए था। वहां पर कीकी ने थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग रोल अदा करा, 10 पॉइंट्स की लीड है यहाँ पर टीम कीकी के पास, और इतनी जल्दी तो वापसी ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। पीछे में घातक भाई की आवाज आ रही है, तो चैट सेक्शन में यहाँ पर घातक को भी होना स्लैम हो चुका है, शुरू हो चुका है। बट यस, खुश होते हैं जब उनकी कम्युनिटी से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ प्लेयर्स इस तरीके का गेम प्ले दिखाते हैं कि चैट कास्टर सब हैरान हो जाए कि ये कर क्या रहा है खिलाड़ी। और एस पावर आपको ऐसे अचंभित होने वाले बहुत से मौके आगे भी देंगे भाई। यार एस पावर का जो टीडीएम का जो आपको गेम प्ले देखने को मिल रहा है, बहुत कम प्लेयर्स आपको ऐसे देखने को मिलता है। सही बताऊं तो पूरे इंडिया में मैं 3 या 3 से 4 प्लेयर्स को ही जानता हूं जो एस पावर यहां पे टक्कर दे पाते हैं। अगर वनिंग की वन वेट की यहां पे बात की जाए, 24-15 का स्कोर रहेगा टीम की यहां पे 9 पॉइंट्स की लीड के साथ। गॉड लेवल एस पावर, आई थिंक गॉड एल इनके नाम के आगे बिल्कुल सही सूट करता है, बिकॉज ये एक्चुअली में गॉड है। बट यू नो, थोड़ी थोड़ी सी ना लीड कम हो रही है, यू नो नवा अभी तक 12 की थी, फिर 10 की हुई, अब 8 की हुई, फिर 9 की हुई, तो चेंजेस आ रहे हैं। कमबैक यहां पर थोड़ी सी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा था कि 30 फिनिशर्स तक जा सकते हैं इस पावर, बट अब उसके चांसेस थोड़े से कम हैं। बट स्टिल 1v1 की फाइट सारंग के साथ इस बार रहेगी इस पावर की, पूरी पूरी फाइट में ये देखना चाहूंगा बिना शिफ्ट के, और निकाल लेंगे इस पावर में। लगता है 1v2 भी हो सकता है। जंप शॉट एक डाउन किया, इनवाइट करेंगे सारंग को, जंप शॉट दूसरा डाउन किया, ही मेड इट लुक सो इजी। ये कर क्या रहा है, ये कितनी ग्राइंड कर रही है, इतनी आसानी से जंप शॉट्स की एक्यूरेसी ऐसे कोई कैसे कर सकता है नोवा। 20 किल्स यहाँ पे अकेले एस पावर की है भाई। एस पावर ओपी एक बार हो जाए यार, जेट दिस टाइम कर क्या रहा है भाई, यार कैसे मार रहा है 22, व्हाट इज ही डूइंग, बर्तन खड़का रहा है वो एक्चुअली में। यहाँ पर हर तरीके से घंटियां बज रही हैं। एस पावर भैया क्या जा रहे हो, थोड़ा घंटी मंदिर मंदिर में जाके बजा लेना सारी घंटियां, आज ही बजाओगे पट्टे पे चढ़ के। यहाँ पर एक फिनिश, 10 बचे हैं पॉइंट्स यहाँ पर कीकी को जीतने के लिए, 23 हो गए यहाँ पर एस पावर के पास। रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है मुझे, 27 से ज्यादा फिनिशेस यहाँ पर एस पावर के पास अलग से जाते हुए मुझे तो दिख रहे हैं। सारंग के पास सिर्फ 7 है, कीकी को भी यहाँ पर मैं कहूंगा पूरे तरीके से मौका दिया गया है फाइट्स का, बट एस पावर उनको उतना चांस दे नहीं रहे, वो कहते हैं मैं ऐसे ही खेल लूंगा। और ये क्या कर रहा है, ये कैसे मार रहा है, कि 1v2 कितनी आसानी से करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बट चलो इस बार स्प्रे गॉड ने कुछ बेहतर रिजल्ट वहां पर दिखाया। स्प्रे गॉड भी कम नहीं है यार, 14 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले। इट्स नॉट ओनली एस पावर, इट्स स्प्रे गॉड आल्सो हु इज ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड ये 1v1 की फाइट एक बार फिर से एस पावर के नाम पर जाएगी। और कीकी का भी एफर्ट आप देखिए तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सारे के स्पेल इज वाइंग ऑन वन, बट एस पावर हील करने का वो जो मौका अपने लिए बनाकर चाह रहे थे वो आ चुका है। और कितने हो गए, 25 हो गए, मात्र 2 और चाहिए, ये रिकॉर्ड तोड़ देगा ये खिलाड़ी इस मैच में। बढ़िया प्रोन शॉट, बट 26 नहीं हुए हैं कि अब 26 हो जाएंगे। घंटी बजी बट नहीं, दोनों बार घंटी की गोली से बजी है भाई। यार कीकी भी यहाँ पे फुल ट्राई कर रहा है यहाँ पे किल निकालने की, फिनिश पॉइंट निकालने की, बट भाई पावर मौका दे ही नहीं रहा यार। बहुत कम चांसेस यहाँ पे कीकी को मिल रहे हैं जो फिनिश पॉइंट निकालने के मौके की बात अगर हम की जाए तो। भाई पावर यहाँ पे 25 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुका है। सारंग की भी हेल्थ स्लो की जाएगी, स्प्रे गॉड को डाउन कर देगा पावर, शान पे पुश करते हुए सारंग को भी यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा भाई। 36-22 का स्कोर रहेगा भाई, रिकॉर्ड तोड़ने वाले ये खिलाड़ी, रिकॉर्ड तोड़ने वाले एस पावर 27 की तरफ बढ़ते हुए, ये 27 रन के नाम जाएगा या नहीं, अभी तक के लिए 26 पर रुके हुए हैं। क्योंकि एचपी यहां पर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके से सिनेरियो अब बन कर आ पाएगा। सारंग स्प्रे गॉड 24-36 के स्कोर लाइन जीते हुए ये मैच ऑलरेडी, की ऑलरेडी यहां पर अभी तक के लिए स्टन करके काफी खुश नजर आ रहे हैं, बट रिकॉर्ड वो तोड़ पाएंगे कि नहीं, बढ़ रहे हैं। स्प्रे गॉड को स्पॉट कर चुके हैं, स्प्रे गॉड को डाउन कर चुके हैं, 27 ये मैच कर चुके हैं रिकॉर्ड को। क्या ये रिकॉर्ड एस पावर अपने नाम करने वाले हैं, क्या ये जो आखिरी फिनिश पॉइंट है ये भी सारंग के तरफ एस पावर के नाम जाएगा। इस भैंस की टैट टीडीएम बैटल का 27 फिनिशेस का रिकॉर्ड एस पावर ने तोड़ दिया है। फैबुलस, फैंटास्टिक, मैजिकल, मैजेस्टिक, स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस बाय गॉडल एस पावर, 29 सोलो फिनिशेस, आर यू किडिंग मी। और ये 30वां, जैसे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि पूरा 40 तक जाएगा, गया एस पावर 30 मारेगा, मारा ये मैच। गॉडल कीकी ने ना सिर्फ जीता है, ये एक ऐसा मैच है जो शायद कोई भी कभी भूल भी नहीं पाएगा। यार मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 टीमें यहाँ पे खेली थी हमारी टीम हाइड्रा की तरफ से, एंड 2 टीमें यहाँ पे खेली थी टीम गोडल की तरफ से। दोनों के जो मेन लाइनअप्स थे, दोनों के दोनों मेन लाइनअप्स यहाँ पे एक राउंड 1 में और एक राउंड 2 में बाहर हो गया। बट
देखा है तो मेन बोलना भी गलत था, दोनों लाइनअप बहुत अच्छा खेलते हैं भाई दोनों ही टीमों के, तो डेंजर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है अपने हाइड्रो को रिप्रेजेंट करते हुए, यहाँ पे टीम किक यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है गॉडलाइक को रिप्रेजेंट करते हुए भाई, एक बार एस पावर एंड किकी ओपी चैट में हो जाए दोस्तों, क्या ही खेले हैं भाई ये लोग भाई 30 kills गाइस व्हाट इज हैपनिंग अनबिलीवेबल, आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स नाउ, ऐसा कोई कैसे खेल सकता है